हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन और यू कैन सी दैट जीएस एग्जाम टू। सो एप्टीट्यूड योर डाउट्स अवर सॉल्यूशंस। आज मेरा लेक्चर नंबर टू है। अब इस लेक्चर में क्या खास है, आज इसमें जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए ना, प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है। तो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर रहे होंगे, और आपको फिर बता दूं मैं, अगर आपको नहीं पता ये सेशन क्या है, हैव डाउट्स इन सी सेट, व्हाट्सएप पे डाउट्स एट 9517777 इस नंबर पे डाउट्स आप व्हाट्सएप कीजिए एंड गेट द सोल्यूशन एंड गेट यू द आई विल टेल यू द वीडियो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो होपफुली पहला लेक्चर आपने बहुत पसंद किया, तो दूसरे लेक्चर में भी आए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और बेसिकली यहाँ पे आज आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं, क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देर आर थ्री पिलर्स एक्स वाई एंड जेड और डिफरेंट हाइट्स, थ्री स्पाइडर्स ए बी एंड सी स्टार्ट टू क्लाइंब ऑन दीज पिलर्स। और जिन बच्चों ने हमारे पुराने सेशन देखे उनमें एक क्वेश्चन करवाए हुए मैंने, ठीक है, तो फिर भी मैं करवा रहा हूँ कि चलो डाउट्स हैं, शायद उन्होंने वो नहीं देखे, बट जिन्होंने देखे तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखेंगे आपका, ठीक है। देर आर थ्री पिलर्स एक्स वाई एंड जेड और डिफरेंट हाइट्स, थ्री स्पाइडर्स ए बी सी स्टार्ट टू क्लाइंब ऑन दीज, मतलब पिलर एक्स है, पिलर वाई और पिलर जेड है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, साइमल्टेनियसली और विच चांस ए क्लाइम्स ऑन एक्स 6 सेंटीमीटर बट स्लिप डाउन बाय 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है। देखो एक बात याद रखना, ये मंकी वाले क्वेश्चन है कि मंकी चढ़ता स्लिप हो जाता है, कि जब लास्ट बार आप चढ़ोगे ना, लास्ट बार आपने क्लाइंब करना, फिर आप फिसलोगे तो आप कभी चढ़ ही नहीं पाओगे। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपने कि आप कॉन्टिन्यूसली क्लाइंब अप कर रहे हो, समझा कि बात, कॉन्टिन्यूसली आप क्या कर रहे हो, आप क्लाइंब कर रहे हो, आप उतरोगे नहीं फिर लास्ट वाली में। तो लास्ट वाली में अगर मैं बात करूं ए की, वो कितना चला है, ए क्लाइम्स बाय 6 बट स्लिप डाउन 1, मतलब एक चांस की बात करूं तो 6 चढ़ता है और एक उधर जाता है, यानी अल्टीमेटली एक बारी में 5 आता है। और लास्ट वाली में मैं इसमें प्लस 6 करने वाला हूं, क्यों कर रहा हूं अभी बात बताऊंगा, ये इसीलिए कर रहा हूं, एक बार तीनों को लिख लूं फिर बताता हूं, ठीक है। अच्छा, बी क्लाइम्स ऑन वाई 7 सेंटीमीटर एंड स्लिप डाउन बाय 3, माइनस 3 हो गया, यानी एक चांस में वो 4 जाता है, और अल्टीमेटली अगर मुझे देखना हो लास्ट वाले में कितना जाएगा, 7 जाएगा, ठीक है। सी क्लाइम्स ऑन जेड बाय 6.5 सेंटीमीटर एंड स्लिप डाउन बाय 2, यानी एक बारी में कितना जाएगा, 4.5 जाएगा, 4.5 जाएगा। अच्छा, और लास्ट वाले में कितना जाएगा, प्लस 6.5, शायद इसकी जरूरत भी ना पड़े कैलकुलेट करने की, रीजन क्या बताता हूँ। देखो If each of them require 40 chances, मतलब 40 चांस मिल रहे हैं आप लोगों को, कितने चांसेस मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग 40 चांसेस, कितने चांस मिल रहे हैं मुझे, 40 चांस मिल रहे हैं, यानी अगर अल्टीमेटली मैं बात करूं एक ए की, कितना हो गया, लास्ट वाले में तो 6 जाएंगे, यानी ये कितना जाएगा, 39 into 5, यानी 195 जाएगा, यानी 195 प्लस 6 कितना हो गया, एक ही अगर एक्चुअल बात करूं 201 मीटर चलना है उसे, या सेंटीमीटर जो भी दिया होगा। अच्छा, 4 × 39 और 4 × 4.5, तो डेफिनेटली यही वाला कम हुआ, कितना हुआ वो देखते हैं। देखो 39 × 440 माइनस 156 प्लस 7 कितना होगा, 163 हो गया, ठीक है। 39 × कितना हो गया, 5/2 कितना हो गया, ये कितना है मेरे पास, अगर मैं बेसिकली इसको देखना चाहूँ, 9/2, तो ये कितना होगा, 40 माइनस 1 × 9 360 माइनस 9 कितना होगा, 351 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 175.5। तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या है आंसर, 163, ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। वो तो बड़े शॉर्टेस्ट बताना था मुझे, तो होपफुली जिस भी स्टूडेंट का डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, अब काफ़ी सारे बच्चों को लगा कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, डिग्री का क्वेश्चन है, क्योंकि इकलौता ऐसा क्वेश्चन डिग्री का पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था कि हाँ इसमें डाउट होना भी चाहिए। देखिए क्या दिया, टू पर्सन ए एंड बी आर रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब ए और बी एक सर्कल में भाग रहे हैं, एट द स्टार्ट B is ahead of A, मतलब जब स्टार्ट हुआ तो B A से ज़्यादा है, एंड देयर पोजिशन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब और जो इनकी पोजिशन है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, ऐसे करके,
बताता हूँ अभी, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो भी किस पे, सर्कल के सेंटर पे। व्हेन ए रीचेज द पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ पे गेम चेंज होती है कि ए डायमेट्रिकली ऑपोजिट जहाँ पे था वहाँ पे ऑपोजिट पहुँच गया। अब यहाँ पे बच्चों को लगा कि डायमीटर की बात हो रही है, किसका क्वेश्चन है, ज्योमेट्री क्वेश्चन होगा, मेंसुरेशन होगा, किसका होगा, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी। ही मीटिंग विद बी, कि जब वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट जाता है तो बी को मिलता है। वट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इफ दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, बताइए विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखो क्वेश्चन समझते हैं पहले, देखो वो क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है, मैंने माना, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 1 degree इज इक्वल टू 1 centimeter, यानी इसका अगर मैं बात करूँ 360 degree है और वो किसके बराबर है, 360 centimeter के। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कांस्टेंट, तो जितना डिस्टेंस चलोगे उतनी स्पीड होगी, ये तो पता है ना आप लोगों को, नहीं पता तो समझ जाना चाहिए कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कि डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा। इफ दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहे हैं, देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इनके बीच का एंगल कितना है मेरे पास, 30 degree है, इनके बीच का एंगल कितना, 30 degree है। व्हेन ए रीचेस द पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इसका मतलब हुआ क्या, इनके बीच का मोटा मोटा डिस्टेंस 30 centimeter है मेरे पास, मतलब ए जब यहाँ पहुँचा, देखो जरा ए जब यहाँ पहुँचा, मतलब ए ने कितना चला होगा 180 centimeter, तो बी कितना चलेगा 150, क्योंकि मैंने क्या माना कि एक डिग्री को मैंने क्या मान लिया, 1 centimeter के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब बारी आई इसकी कि अगर मैं डिस्टेंस ऑफ ए की बात करूं और डिस्टेंस ऑफ बी की बात करूं, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए बी डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर स्टूडेंट्स में ए और बी का लेता हूं, ए का डिस्टेंस कितना है 180, बी का कितना 150, इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो वही किसका रेशियो, स्पीड का रेशियो, यानी कितना 180 रेशियो 150, 3 6 18 3 5 15 6 रेशियो 5 अटेंस, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था, समझा की बात। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करिए इसको, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग मुझे डाउट्स करेंगे, डाउट भेजने का है 9517 1651, इस नंबर पे आपको मुझे डाउट्स भेजने हैं, समझा एक बार, इस नंबर पे आपको मुझे डाउट्स भेजने हैं, चलिए, क्योंकि डाउट नहीं भेजेंगे तो फिर सॉल्व क्या कराऊंगा, ठीक है, चलिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ये तो मैंने 2-3 बार पहले भी करवाया हुआ, ठीक है, माइक्रो लेक्चर्स में भी करवाया, और मैंने 5 जो क्वेश्चन हम करते हैं शायद उसमें भी मैंने सॉल्व किया था पीवा क्यों में। चलो लेट एक्स वाई जेड बी ए 3-digit नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इस बात को समझिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का मल्टीपल नहीं है, समझिए इस बात को। देखिए क्या दिया, लेट एक्स वाई जेड बी ए 3-digit नंबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड 3 6 9 12 ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता। देन एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आने वाले टाइम में भी आपके लिए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं एक्स वाई जेड को लिखूँ फिर मैं लिखूँ वाई जेड एक्स को, फिर मैं लिखूँ जेड एक्स वाई को, देखो दो नंबर की रिप्रेजेंटेशन होता है 10x + y, तीन नंबर कैसे होगी 100x + 10y + z, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये क्या होगा 100y + 10z + x, ये कितना होगा 100z + 10x + y, ये होगा, ये भी ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे क्या बोला क्वेश्चन में, तीनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दो जरा तीनों को, तो ये कितना होगा 100x 101 और 111x + 10y 100y और y, कितना हो गया +z 10z 100z, कितना हो गया, यानी 111 ऑफ x + y + z
अब मैक्सिमम बच्चों क्या लग रहा हो कि 111 तो एक प्राइम नंबर है, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ अच्छे से, मुझे ऑलरेडी ये डाउट्स आ चुके हैं, मतलब मुझसे पूछे जा चुके हैं, मुझे नहीं आ चुके, मुझसे पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी नंबर को प्राइम कैसे देखते हो जब वो किसी से कटता नहीं? तो 3 1 2 3 है ना, 1 1 1 यानी 3। अगर ये नंबर किसी से कटता है तो 3 से डेफिनेटली कटेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 1 1 1 तो 111 को 3 से भाग दे देना, 3 3 9 2 1 3 7 21, तो ये कितना हो गया 3 × 37। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई बात? ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था आपने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। क्लियर? तो जिसका डाउट तो होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है अब चैनल। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम पेपर से ही है, ठीक है। वन पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज 1। द सम ऑफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस इज 195। उसने क्या बोला कि मैंने एक से शुरू किया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक गया हूँ, मैंने बीच में से एक फाड़े। एक बात याद रखना, जब बीच में से आप कोई पेज फाड़ेंगे तो यहाँ पे 1 2 5 6 7 8 9 10 11 और वो कंटिन्यूअस पेजेस ही आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और नेचुरल नंबर्स की तरह चलेंगे हम, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी लग सकता है इसमें, ठीक है। इसका मतलब वो जो मेरा है नंबर वो 195 से बड़ा है, क्योंकि पेज तो फाड़ लिया, उसको छोड़ के जो मेरे पास बचा ना 4195 बचा, उसको छोड़ के जो मेरे पास बचा वो कितना बचा है, वो मेरे पास बचा है 195। द टॉर्न पेजेस कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस वो कितने मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने, 195। मैंने बोला कि ये मेरे पास एक पेज है, इस तरफ P और दूसरी तरफ इसके Q हुए, तो ये कितना होगा, प्लस ऑफ P प्लस Q, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, N बाय 2 ऑफ N प्लस 1 होना चाहिए। अब डिपेंड करेगा मेरी N की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन यहाँ घूमता है कि N की वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। सपोज कीजिए, देखो N को आप पुट करो मैक्सिमम तक, ये कितना है, अगर n को मैंने 19 पुट किया, देखो कितना आएगा 19/2। यहाँ पे डाउट आ जाता है बच्चों को कि 19-20 क्यों पुट करके देख रहा हूँ, अभी बताता हूँ। 19/2 × 19+1 यानी 19/2 × 20, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास 190 हो गया। पहले भी मैं एक दो बार करवा चुका हूँ क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट लगा, 190 हो गया। इसका मतलब जो भी मेरे पास वैल्यू आई है ना वो 190 है, बट यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे क्या स्टूडेंट, 195 प्लस है, 195 प्लस है P प्लस Q, 195 प्लस P प्लस Q हुए। इसका मतलब जो मेरी वैल्यू है ना वो इससे बढ़ी है, 190 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 195 छोटा नहीं हो सकता मेरा नंबर। तो ये कितना हो गया, N की वैल्यू जब आप 20 पुट करेंगे देखिए कितना आएगा, 20/2 × 20+1, तो ये कितना हो गया, 10 × 20 बनी हाउ मच, 210। इसका मतलब ये कितना हो गया, 195 प्लस P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना, बिल्कुल ये पॉसिबल है, वरना फिर तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। यानी P प्लस क्यू कितना है मेरे पास, और P प्लस क्यू अगर 15 आ गए तो कितना आ रहा है मेरे पास, 8 और 7। ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर? दैट वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन जो भी हमने स्क्रीन पर किया। क्लियर? होपफुली समझ आ गया होगा। देखो ये मेरे से वैसे कैजुअली डाउट मेरे को आया, तो वैसे कैजुअली किसी बच्चे ने पूछा कि सर नंबर ऑफ जीरोज वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी मैं ले आया कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम इसको आगे लेके चलेंगे। देखो, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द ईच फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए अब ध्यान से देखो, वो मुझे कह रहा है कि मेरे को जब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा एंड में कितने जीरो बनेंगे ये बताना है। किसी को आता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली चेक दैट कमेंट। क्लियर है? देखो, अगर मैं एक जीरो बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 10 है, यानी 1 2 और 1 5। समझ आ गई बात? अगर मेरे पास 100 है, 100 कैसे लिखोगे आप, 25 × 4 यानी 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा ये बताओ, यही तो होगा। अगर एक जीरो चाहिए तो 1 2 1 5, 2 जीरो चाहिए तो 2 2 और 2 5। तो अगर बाई चांस मेरे पास ऐसा हो कि 1 5 एक्स्ट्रा पढ़ाओ तो ये कितना आएगा, 500 आ गया, तब भी 2 ही 0 है। अगर एक्स्ट्रा में पढ़ा कोई दिक्कत है तो मिनिमम नंबर ऑफ 2s, मिनिमम नंबर ऑफ 5s मुझे देखने होते हैं इस केस में। सो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले 1, ये 5 की पावर 1, 10 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1,
ध्यान से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके पास, क्लियर। 20 को लिखूंगा मैं, 2 × 4 5 की पावर 1, 25 को लिखूंगा मैं 5 की पावर 2, 30 को लिखूंगा मैं 2 × 3 5, ठीक है। 35 को लिखूंगा मैं 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1, 40 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1, 45 को लिखूंगा मैं 3 × 9 5 की पावर 1, 50 को मैं लिखूंगा 5² × 2 की पावर 1, 55 को मैं लिखूंगा 5 की पावर 1 × 11 की पावर 1, 60 को मैं लिखूंगा 2 × 4 12 × 5, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास आ गया सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ टूस कितने मेरे पास, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कितने हो गए, 10 हो गए। अब ये नहीं लगाते हैं कि 10 नंबर ऑफ फाइव्स भी चेक कर लेते हैं एक बार, वैसे तो आंसर मेरे को अभी पता ही चल चुका है, नंबर्स ऑफ फाइव्स। अगर मैं नंबर ऑफ फाइव्स की बात करूँगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्या 13 बन रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कहीं पे कोई 5 रहा तो नहीं, पर ध्यान रख लो, चलो जो भी है व्हाटएवर, तो आंसर 10 से ज़्यादा ही आ रहे हैं वो, तो कितना आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर, क्लियर। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट कर लो इसको, चलिए क्लियर। तो जो मेरे पास टूज हैं वो 10 है, 5 मेरे पास जितने भी आ रहे हैं वो क्लियर है, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो प्लीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं भी बता रहा हूँ इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, डाउट आ क्यों रहे हैं ये चेक करो, डाउट आ तो रहे हैं बट डाउट क्यों आ रहे हैं वो चेक करो। अब वो कैसे चेक होंगे मैं बताता हूँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का डाउट है वो पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप कर सकते हो, वरना चुपचाप ये बैच ज्वाइन कर लो हमारा। इसमें क्या है, टाइमिंग 3 से लेकर 4:30 दी, टोटल 4 डेज अ वीक बैच है, ठीक है। टोटल लेक्चर 180+ है इसमें, 90, देखो ये एक्चुअली क्या है, मेरे लाइव बैच है, ठीक है। आप ऑनलाइन भी अवेल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हो, क्लियर। 50 क्वांट के 25 लॉजिकल के 15 इसमें इंग्लिश के लेक्चर्स मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के कितने हैं 15 लेक्चर्स हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने हैं 50+, लाइव मेंटरशिप के कितने हैं 30+ लेक्चर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। अब ध्यान से देखो मेरे पास और क्या चाहिए, ये नंबर तो मैं ऑलरेडी अब तो याद हो ही गया होगा आपको, डाउट्स भेज रहे हैं आप लोग, क्लियर। जो लेक्चर लगा मिलेगा उसमें क्या क्या मिलेगा, उसमें 4 चीज़ें मिलने वाली है आपको, सबसे पहले PDF मिलेगी, नंबर 2 पे रिसोर्सेज मिलेंगे, नंबर 2 पे आपको, नंबर 3 पे आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, नंबर 4 पे टेस्ट लगा मिलेगा, ठीक है। जो भी बच्चा इनरोल होता है 4 चीज़ें मिनिमम उसको हर बैच के, हर सॉरी क्लास के साथ मिल रही है। सबसे पहले क्या PDF है, PDF क्या होती है, आपके लेक्चर की PDF, जो क्लास में मैंने करवाना है वो एज ए PDF में, जैसे क्वेश्चन 5 करवाने होते हैं 4 जो भी थे, तो इसकी PDF होती है। रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का वो पार्ट होता है, वो मतलब जहाँ पे मैं समझता हूँ चैप्टर को, थ्योरी पार्ट। नंबर 3 पे क्या है, आपकी प्रैक्टिस शीट होगी, प्रैक्टिस घर से क्वेश्चन के लिए, ये तो अंडरस्टूड है। टेस्ट क्या है, अगर कोई टॉपिक खत्म हो गया, जैसे परसेंटेज का कोई टॉपिक खत्म हो गया या नंबर सिस्टम का कोई टॉपिक खत्म हो गया डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी के टेस्ट के क्वेश्चंस लगा दूंगा, टेस्ट लगा दूंगा छोटा सा 15-20 क्वेश्चन का, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्लियर। और आपका वीकली क्लास टेस्ट होता है हर संडे को 1 बजे, जिसका भी आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इट्स ऑल अबाउट दिस बैच। उसके बाद अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट में मेरे पास, माफ कीजिएगा, मेरे पास है माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज क्या है, माइक्रो कोर्सेज बहुत कुछ है, माइक्रो कोर्सेज बहुत कुछ है। क्या है माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू आप पर्टिकुलर चैप्टर कर सकते हैं, मैं जल्दी से बताता हूँ आपको कैसे। चलिए
छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, सबसे पहले एग्जाम, सी सेट, सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड दीज आर अवर छोटे कोर्सेज। क्लियर। सबसे पहले क्या आपके मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, आपको माइक्रो कोर्स के थ्रू क्या मिलने वाला। सबसे पहली बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डाटा तैयार नहीं करना, वो हमने ऑलरेडी आप सबके लिए तैयार कर रखा है, इसीलिए तो नंबर वन है। क्लियर। जैसे 23 में 18, 22 में 10, 21 में 9, 20 में 15 क्वेश्चंस। क्लियर। उसके बाद अगर आप ये 357 रुपीस का नंबर सिस्टम खरीदते हैं तो वो हर चैप्टर के साथ है, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक के साथ ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखो क्या मिल रहा है आपको, 11 लेक्चर्स मिल रहे हैं क्या इसमें। पहले 6 से 7 लेक्चर्स में आपको क्या मिलेगी, थ्योरी मिल रही है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद लास्ट के 3 से 4 लेक्चर में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम के। क्या मिल रहा है आपको, 10 वेब नोट्स मिल रहे हैं। वेब नोट्स का वही काम है स्टूडेंट जो रिसोर्सेज का काम है आपके। 450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ आपके, कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन ये। और ये देखो मैं दिखाऊं, ये हर एक चैप्टर के साथ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे है, ये हर एक है, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। क्लियर। इंग्लिश का पूरा बंडल सिर्फ 390 रुपये का है। ठीक है, देखो इंग्लिश में क्या मिला, 8 लेक्चर, 3 वेब नोट्स, ऑलमोस्ट 1200-1300 के अराउंड क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप। क्लियर है जी। ठीक है, तो ये मत छोड़िए, बहुत कुछ है प्रैक्टिस के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर काउंसलिंग सेशन बुक करने के लिए चाहिए और यहाँ पे आपने फीड करना है, कॉल में व्हाट्सएप करेंगे वैसी टीम आपसे जुड़ेगी। क्लियर। ये सारे के सारे हमारे पास कोर्सेज हैं जो हमारे चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तसल्ली के साथ नहीं, देखो सर की मेंटरशिप की वीडियोस, पता चलेगा क्यों नंबर वन है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फ्री वॉम कोर्स आप कर सकते हैं, बहुत लेक्चर्स हैं इसमें भी। देखिए ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 22 से इसमें सिलेक्शन लेके हमें नंबर वन बनाया, फिर से थे और इन्होंने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, और ये इन्होंने खुद लिखा, थैंक यू सो मच फॉर द टीम फॉर एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन माई जर्नी। अर्णव बोल रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ अभिमन्यु फॉर प्लेइंग अ रोल इन माई 3 स्टेजेस ऑफ एग्जाम। दर्पण लिख रहे हैं, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जुड़िए हमारे साथ और IAS बन के निकलिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और डाउट भेजते रहिए 9517777165 नंबर पर। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।